फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड सोमा। आज एक नया अचार बनाते हैं, ग्रेटेड मैंगो का पिकल बनाते हैं। साथ में ये थोड़ी सी ड्राइड चिली भी ले लेते हैं। तो दोनों को ऐड करके एक खट्टा मीठा बढ़िया सा अचार बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, ये 300 ग्राम मैंगो को मैंने छिलकर ग्रेट करके और इसका पानी निचोड़ के 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया था। आप धूप में सुखाएंगे तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी और ये ज़्यादा दिन तक खाया जा सकता है। उसके बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्च और ये थोड़ा सा धनिया और सौंफ का और मेथी का और कलौंजी का मैंने भुना हुआ मसाला लिया है, कम से कम 50 ग्राम। इसी तरह से मैंने सौंफ और मेथी और कलौंजी को मैंने थोड़ा साबुत भी ले लिया है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद 50 ग्राम हम गुड़ ले लेंगे और थोड़ी सी हींग भी ले लेंगे। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी आप पिकल बनाओ तो सरसों का ऑयल ज़रूर लीजिएगा। मुझे तो मस्टर्ड ऑयल या सरसों का ऑयल बहुत पसंद है और अचार बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अपने जितनी भी आप सब्जियां भी बनाते हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल का ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मैंने 100 ग्राम के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है, ऐसा इतना गर्म करना है कि धुआं निकलने लग जाए। उसके बाद मैंने हीट को बंद कर दिया था और मैंने अब हीट को हल्का सा दोबारा ऑन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले ये जो मैंने सूखे मसाले लिए थे, सौंफ, कलौंजी और मेथी डाल देंगे। सौंफ, कलौंजी और मेथी तीनों को इसी गरम तेल में डाल देंगे, अपने आप थोड़ी सी पक भी जाएगी। साबुत जो मैंने पीसी नहीं है ये डाल दी, इस तरीके से डाल दीजिए। हल्का सा इन्हें चला लीजिए, फटाफट हल्की सी भून जाए। अब ये देखिए थोड़ा सा सौंफ और ये कलौंजी और ये मसाले इसमें पक चुके हैं। अब हम इसमें ये सूखे ड्राई मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। हाँ, हमने 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है, क्योंकि मेरा स्पून थोड़ा बड़ा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये क्योंकि हम इसको खट्टा मीठा बनाएंगे तो इसमें मिर्च थोड़ा तेज़ होगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। 1 चम्मच हम ये लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि गुड़ भी डाल रही हूँ, तो ये खट्टा मीठा थोड़ा तीखा भी अचार अच्छा लगेगा, तो ये मैंने डाल दिया है। इसको भी बढ़िया सा मिला लीजिए। आप चाहो तो अगर मसाले जलने लगे तो गैस को ऑफ़ कर दीजिए। अभी मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका था। ये देखिए ये हो गया है। अब आप क्या करिए, ये भी डाल दिया हमने धनिया, मिर्ची, नमक अब हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम ये ग्रेटेड जो हमारा मैंगो है इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, आप ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हो, मैंने तो 300 ग्राम मैंगो लिए, आप ज़्यादा भी मैंगो ले सकते हैं। इसको इसमें अच्छी देखिए कितना बढ़िया कलर आया। ये मैंने बंद कर रखा है गैस, लेकिन थोड़ा तेल गर्म था तो इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए, अगर आपके पास टाइम ना हो धूप में सुखाने का तो आप मैंगो को घिस के फटाफट और उसमें क्या करते हैं कि उसको पानी निचोड़ के और उसको इसी गैस पर पहले भून के सुखा लें पानी को। अब हम क्या करेंगे, ये मिर्ची भी डाल देंगे अपनी सूखी मिर्ची इस तरीके से। ये देखिए मिर्ची भी डाल दी हमने। हाँ, तो ये देखिए हमने ये रेड मिर्च भी ऐड कर दी है, ये सूखी मिर्चें हैं। अब इसके बाद हम गुड़ ऐड करेंगे। ये जो 50 ग्राम हमने गुड़ लिया था इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये मेरा थोड़ा सा मेल्टेड है, आप मेल्टेड लें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए इसमें डाल दीजिए इस तरीके से, खट्टा मीठा बहुत बढ़िया लगता है यह पिकल। और इसको अच्छी तरह से इसमें और गैस को हल्का सा फिर से ऑन कर दीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए इसी के अंदर। ये देखिए मैंने इसमें गुड़ भी मिक्स कर दिया है और ये गुड़ भी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गया है। ये देखिए बस उतनी देर तक हमें गैस को ऑन रखना है जितनी देर तक ये गुड़ जैगरी मेल्ट हो जाए, ठीक है। फिर हम अब ये देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, क्या कलर आया है। तो अब हम का फाइनल टच के लिए सबसे लास्ट में आम डालेंगे, क्योंकि हमें अब पता लग गया ना कि ये सूख के और गल के कितना हो गया है। हम पहले से ही नमक, अगर हम पहले से ही नमक डाल देते तो वो ज़्यादा भी हो सकता था, तो अब नमक डालते हैं। वैसे पिकल में थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाला जाता है। अब हम इसमें नमक डालते हैं। तो ये हमारा 300 ग्राम आम था तो 1 चम्मच पूरा नमक डालते हैं भर के। नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें, लेकिन जब भी पिकल बनाएं थोड़ा ज़्यादा भी नमक डालें, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत डाल दें कि कई बार तो लोग इतने नमक डाल देते हैं कि खाया ही नहीं जाता है, तो इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा बैलेंस करके डालें। ये देखिए क्या लग रहा है बिल्कुल, ये अब इतने मसाले हो गए कि और मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी हमारा फाइनल जो है मेन यूपी स्टाइल, ये भुना हुआ धनिया, सौंफ और मगरेल, कलौंजी, ये सब हम डालेंगे। तो इसको भी हम 50 ग्राम के करीब इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए वाओ, इसको भी मिक्स कर दीजिए। लवली,
ये देखिए कलर देखिए इसका कितना बढ़िया कलर है और खाने में भी इतना टेस्टी कि क्या बताऊँ। अभी गर्म है तो इसको थोड़ी देर तक इसी फ्राई पैन में रहने देते हैं, उसके बाद हम इसको जार में भर के और रख लेंगे।